दोस्तों आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि हम ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो मुझे नहीं लगता किसी यूट्यूबर ने पहले कभी डिस्कस किया होगा कनाडा में आने वाले न्यू कमर्स के लिए। सो प्लीज इस वीडियो में एंड तक बने रहना, देखना और वीडियो को अभी के अभी लाइक दबा दो और शेयर कर दो उन लोगों के साथ जो आपके दोस्त न्यू कमर्स कनाडा में आने वाले हैं। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज्यादा जरूरी थी और सोचा थोड़ा बैकग्राउंड को चेंज करते हैं, बाहर जाके वीडियो बनाते हैं कि कनाडा की विंटर्स कैसी हैं और उसमें कौन कौन से प्रिकॉशन आपको लेने हैं अगर आपको सक्सेसफुली सर्वाइव करना है। तो बात यह है दोस्तों कि यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वो ठंड में आते हैं, ठंड को स्टार्ट में इग्नोर कर देते हैं, उनको लगता है इट्स ओके हम इन्जॉय कर रहे हैं। समटाइम फ्लू शॉट लगवाने के बाद यहाँ पे एक्चुअली फ्लू चलता है, इन्फ्लुएंजा जो ठंड में होता है लोगों को, तो लोग बेसिकली करते क्या है कि वो फ्लू शॉट लगवा लेते हैं और फिर उनको लगता है कि नहीं अब तो हम इम्यून हो चुके हैं। ऑब्वियसली तब उनको इतनी ठंड भी फील नहीं होती और ठंड से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट नेक्स्ट ईयर उनको उस चीज़ के कॉन्सिक्वेंसेस नज़र आने शुरू हो जाते हैं जब उनकी हड्डियों में दर्द होने शुरू हो जाती है। तो आपको बेसिकली ठंड से बचने के लिए करना क्या है कि आपको अपना प्रॉपर टेक केयर करना है, प्रॉपर कपड़े डाल के रखने हैं, क्योंकि होगा क्या कि अभी आप लोग यंग हो, नॉर्मली जो भी आता है 19 साल का 25 साल का इसी उम्र का आता है, तो अभी हम लोग यंग होते हैं तो हमें इतना पता नहीं लगता, हमें लगता है चलो थोड़ी बहुत ठंड है, एक दो पैरासीटामोल ब्रूफिन वगैरह खा ली तो हम लोग ठीक हो गए, बट वो आप प्रॉपर से ठीक नहीं हो पाते, आपकी हड्डियों को ठंड लगती है, तो उस केस में आपको क्या हो जाता है, आपको हो सकता है अर्थराइटिस। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, आने वाले टाइम में आपके आके आपको अर्थराइटिस हो सकता है। अर्थराइटिस के चक्कर में ना कोई आसपास नहीं है, अर्थराइटिस के चक्कर में जो हड्डियों की दर्द है वो कभी नहीं जाती है और बुढ़े होने में फील होता है कि हाँ क्या गलती हम लोगों ने की थी। ये मेरे को आते ही किसी ने सजेशन दी थी, बेसिकली मैं ऐसे ही आप लोगों की तरह बस में ट्रैवल कर रहा था TTC में, तो ऐसे ही अपनी मस्ती में चल रहा था, कम कपड़े डाले थे, ठंड थी, तो हमारे देसी थे एक अंकल बस ड्राइवर थे, तो उन्होंने बोला कि बेटा तुम्हें एक बात सजेशन दूंगा जो कोई नहीं बताएगा कि पूरे कपड़े डाल के रखो, प्रॉपर थर्मल वर्मल डाल के रखो, क्योंकि अभी सावधानी रखोगे तो आगे की लाइफ ईजी हो जाएगी। दोस्तों सिर को और चेस्ट को कवर करके रखना एक्स्ट्रा ज़रूरी है क्योंकि यही दो एरियाज हैं जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा ठंड लगने के चांसेस होते हैं। अगर मान लो अगर आपको खुदा ना खासा यहाँ पे ठंड लग गई ना, तो एक तो छुट्टियाँ होंगी सो अलग, बहुत देर तक वो ठंड आपके शरीर से जा नहीं पाएगी वो अलग, क्योंकि एक बुखार है फिर उतरता चढ़ता है बंद होता है, मतलब या तो हर रोज़ शाम को आपको वीकनेस फील होती है, पूरा मतलब सिस्टम फक्ड अप हो जाता है। तो बेसिकली सिर को और छाती को कवर करके जरूर रखना है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एडवाइस है अगर आपने यहाँ पे सर्वाइव करना है। और दोस्तों थोड़ी सी फैंसी एडवाइस है बट हाँ बहुत सारे लोग करते हैं, तो मैं इसके बारे में बोलूँगा कि बहुत सारे हमारे दोस्त हमारे यार दोस्त जो आते हैं यहाँ पे वो करते हैं बेसिकली आगे कि कपड़े वपड़े उतार के समटाइम्स टी शर्ट में या सिंपल सिंगल हुडी में ठंड में -10-12 में फोटोज़ खिंचवा रहे होते हैं। दोस्तों बहुत डेंजर आइटम है, मत करना प्लीज़, क्योंकि वो जो चीज़ है ना वो आपको बाद में पता लगती है, एकदम से आपको चिल हो जाता है जब फिर आपको पता लगता है कि बेसिकली ये नहीं करना चाहिए था। एक दोस्तों और चीज़ है लालच, लालच बहुत बुरी चीज़ है। अब बताता हूँ आपको लालच आपको कैसे इफेक्ट कर सकता है। बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं यहाँ पे टोरंटो के अंदर या फिर ओवरऑल कनाडा के अंदर जहाँ पे आपको बाहर ठंड में फ्रीजिंग ठंड में काम करने के थोड़े पैसे ज़्यादा मिलते हैं। मैं मानता हूँ बहुत तरह की मजबूरियाँ होती हैं, बहुत चीज़ें होते हैं, पर जो लोग आते हैं और आने के बाद जिनको थोड़ा सिस्टम समझ आता है उनको ये भी पता लग जाता है कि मजबूरियों का हल और भी बड़े तरीकों से होता है। ये नेसेसरली करना ज़रूरी नहीं होता कि आप लोग बाहर ठंड में काम करो, दो दिन लगाने के चक्कर में उसके बाद 4 दिन बेड पर लगाओ, नो सेंस, प्लीज़ डोंट प्ले विद योर बॉडी। तो होगा क्या बेसिकली कि यहाँ पर आप लोगों को जॉब्स ऑफर होंगी स्नो उठाने की या फिर कुछ ऐसी जॉब जिसमें आपका टेक्निकली आपको बाहर खड़े होके सिक्योरिटी करनी होगी, थोड़ी पे ज़्यादा होगी, $25 होती है स्नो उठाने वालों की पे, बट आई वुड से दिस जॉब इज़ नॉट फॉर यू। सो मेक श्योर कि ऐसे जॉब्स के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है जिससे आपको पैसे तो मिल जाए पर आपकी सेहत ख़राब हो जाए। बहुत सारी अल्कोहल पीने से यू विल फील वार्म, ऐसा नहीं है, ज़्यादा ओवर ड्रिंक करोगे तो सुबह काम पर नहीं जा पाओगे। सो मेक श्योर जस्ट ड्रॉ योर लिमिट्स एंड डोंट जस्ट जंप योर लिमिट्स ओवर, बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। रम पीने से नहीं बचोगे, कपड़े डालने पड़ेंगे फिर ठंड से बचोगे। और एक और चीज़ का ध्यान रखना है दोस्तों कि जब भी घर से बाहर निकलना है मेक श्योर करना है कि वेदर देख के चलना है और टेम्परेचर के हिसाब से नहीं, रियल फील के हिसाब से चलना है। इंडिया में क्या होता है टेम्परेचर देख के हम कहीं भी चले जाते हैं, बट कनाडा में रियल फील क्या है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि विंड के हिसाब से रियल फील डिसाइड होती है और रियल फील आपको बताती है एक्चुअल में ठंड है कितनी। समटाइम्स टेम्परेचर 0 होता है और आपको गर्मी लग रही होती है, क्यों? विंड नहीं होती है। और समटाइम्स टेम्परेचर सिर्फ -1 ही होता है बट आपको इतनी चिलिंग ठंड लगती है क्योंकि
वो जो रियल फील है -8 पे पहुंच चुकी होती है, विंड 50-60 किलोमीटर होती है और यहाँ पे बड़ी ठंडी हवाएं चलती हैं और वही बॉडी में घुसती है। आई होप आज की शॉर्ट वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि इसमें मैंने बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल में आप लोगों को बताने की कोशिश की है कि किस तरह से आप लोग ठंड से बचा सकते हो। मेरे मुंह ठठठ कर रहा है भाई इस टाइम ना, मैं फंबल कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ठंडा है। तो एंड करते हैं वीडियो को यहीं पे। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माय चैनल, कमेंट डाउन बिलो, लेट मी नो कि आपको नेक्स्ट वीडियो कैसी देखनी है। पीस।